खाली है, शिक्षक शाहजानी पार्क में धरने पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और आधे शिक्षक के पद खाली हैं। हमारे स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं है। हमको पूरी कमाई लगा के एक एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक एक बीमार को प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्कूलों शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करो, निजी ठेकेदारों के हाथ दे दो, निजीकरण कर दो, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त करो, खत्म करो, प्राइवेट में जाओ, ठेकेदारों का राज, कंपनियों का राज, चुट्टों का राज, अवैध खनन का राज, ये चुट्टों का राज खत्म करो। और कौन खत्म करेगा? तो साथियों, ये लंबी लड़ाई है, आपके नर्मदा घाटी, आपके भूत के खिलाफ की लड़ाई के साथ साथ हम सभी लोग एक और लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई में जुड़े हैं। हम सभी संगठन, हम सभी न्याय पसंद लोग, हम सब प्रगतिशील लोग, हम वो सभी लोग जो कभी इस संविधान को देख समझते हैं, हम जानते हैं कि संविधान में क्या लिखा है और हम इस संविधान को लागू करना चाह रहे हैं। हम सभी लोग मिलके एक नई आजादी की लड़ाई, ये नकली आजादी नहीं कि 15 अगस्त में आपने झंडा लहरा दिया और हम हो गए आजाद, नहीं। आजाद हम तब होंगे जब हमारी आजीविका सुरक्षित है, हमको पूरे शिक्षा मिले, पूरे स्वास्थ्य मिले, हमको बिजली मिले, हमको पानी मिले, हमारी कमाई हमारे हाथ में हो, हमको घर रहने के लिए घर हो, हमको इज्जत, हमारी इज्जत हो, इज्जत से जीने का हक, एक आजाद देश के आजाद नागरिक जैसे इज्जत से जीने का हक लेने के लिए एक नई आजादी का आंदोलन में हम सब बंदे हम लड़ेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लुटेरों की जागीर नहीं, ये भारत देश।